और बड़ी खबर तुनिशा मौत मामले से जुड़ी हुई। पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है। श्रीजान की व्हाट्सएप चैट को लेकर ये डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी है। कई लड़कियों से व्हाट्सएप की डिटेल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली है। श्रीजान की चैट का एनालिसिस कर रही है। जिन लड़कियों से चैट किया श्रीजान ने, उनसे भी पुलिस संपर्क करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, उनसे बातचीत करेगी। तो ये बड़ी खबर, श्रीजान का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है और उसके मोबाइल से कई लड़कियों से चैट होने की जानकारी पुलिस को मिली है। अब पुलिस उन सभी लड़कियों से संपर्क कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। चार बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीजान की रिमांड आज खत्म हो रही है, कोर्ट में पेशी होगी। 18 लोगों के बयान दर्ज, पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। कई अनसुलझे राज अभी इस पूरी मौत मिस्ट्री में भरे हुए हैं और पुलिस इन सभी अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने में लगी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड की जो जानकारी आई उसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है और कई लड़कियों से बातचीत होने की जानकारी पुलिस को मिली है कि श्रीजान कई लड़कियों से बातचीत करता था, उन सभी से पुलिस संपर्क कर सकती है। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पालघर मुंबई से, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, मोबाइल श्रीजान का वो पुलिस के कब्जे में है, कई लड़कियों से चैट की जानकारी पुलिस को मिली है, एक लगातार सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बातचीत सामने आई है, माने कि अब पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड के राज से पर्दा उठ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे सीक्रेट गर्लफ्रेंड के राज से पर्दा तो उठेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मुंबई पुलिस लगातार ढूंढ रही है। क्योंकि देखिए, 15 मिनट में ऐसा क्या बात हो जाता है, अमूमन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं या दोस्त बात करते हैं या को स्टार्स बात करते हैं तो आराम से बात करते हैं, नाश्ता साथ में करते हैं, लेकिन उस 15 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुनिशा ने आत्महत्या कर ली, ये एक अहम सवाल है और इसके पीछे के कई राज हैं जिनका पर्दा जो है वो मुंबई पुलिस उठाएगी। और ये तभी मुमकिन होगा जब श्रीजान के चैट्स जो डिलीट किए थे उसने, उसको रिट्राइव करके वापस से लाया जाएगा। ये देखिए, हम पुलिस स्टेशन पे मौजूद है और इसी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, इसी के अंदर श्रीजान को रखा गया है और अब से तकरीबन 1 से 1.5-2 घंटे बाद श्रीजान को यहाँ से वसई कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पे रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। क्योंकि देखिए, जो चैट्स उन्होंने श्रीजान ने डिलीट किए हैं उसको रिट्राइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मिस्ट्री जो गर्लफ्रेंड है उसके चैट्स हैं, यहां तक कि जो तुनिशा के साथ उसने चैट किए हैं वो तकरीबन 300 पन्ने के जो चैट्स हैं उसको भी पुलिस ने निकाला है और उसमें भी छानबीन की जा रही है कि आखिर ठीक है व्हाट्सएप। अभिषेक, ब्रेकअप का वजह क्या रहा, रिश्ता क्यों टूटा, श्रद्धा आफ्ताब केस का जिक्र आ गया, कई सारी वजहें आ गई, सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी बात सामने आ गई और इसीलिए 250 से 300 पन्नों की कुल व्हाट्सएप चैट है जो बातचीत हुई थी श्रीजान और तुनिशा के बीच में, और इसको पढ़कर उसे समझकर पुलिस ये जानना चाहती है कि ब्रेकअप की वजह क्या रही। देखिए, निश्चित तौर पे अमूमन तो ऐसे ब्रेकअप होगा नहीं, ये बहुत नेचुरल सी चीज है। को स्टार्स थे, बड़े सेलिब्रिटीज थे, नाम था इनका। अगर आप फिल्म सिटी में जहां पे ये पूरा शूट होता था नए गांव का, वहां आप जाके पूछिएगा, सभी लोग जानते थे। और तुनिशा के बारे में लोग बताते थे कि काफी हसमुख लड़की थी, लोगों से बातचीत करती थी, मिलती थी। तो आखिर वो क्या कारण था जो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई और उसके बाद आत्महत्या करने की नौबत आ गई। ब्रेकअप जो है ये इसमें एक मेन कड़ी बताई जा रही है, लेकिन आखिर ये ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या ये मिस्ट्री गर्लफ्रेंड के आने से हुआ, अगर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड के आने से हुआ तो आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्लफ्रेंड, और जो चैट्स इसने श्रीजान ने डिलीट किया उस चैट्स में क्या था, ऐसा क्या था जो उसको डिलीट करना पड़ा, ऐसा क्या मैसेज हुए थे दोनों तरफ से जो किसी के हाथ में लग जाती तो शायद कुछ जो है कड़ियां और ज्यादा खुल जाती तो उसको डिलीट करना पड़ा। ये ऐसे कई राज हैं जिनका पर्दा उठना बहुत ज्यादा इस केस में जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब से ये पूरा का पूरा वाक्या सामने आया है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में जब चीजों को लाई गई है तो अब रिट्राइव करने का प्रोसेस जारी है और इसीलिए जो रिमांड है उसको भी बढ़ाने की जो ग्राउंड है पुलिस वो यही रखेगी कि उनको चैट्स रिट्राइव करवाने हैं, उनको कॉल्स रिट्राइव करवाने हैं और उसके बाद उनके आधार पे उससे श्रीजान से पूछताछ होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि क्या तुमने ये मैसेज किया था या नहीं, क्या तुमने ये बातचीत की थी या नहीं, अगर किया था तो किस तरीके से किया था। तो इन सारी पहलुओं को जांच करने के लिए पुलिस आज उसकी रिमांड लेगी, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं जिसका जवाब श्रीजान को देना है, लेकिन अब तक पुलिस को साफ साफ निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल है जो अनसुलझे हैं और 250 से 300 पन्नों की व्हाट्सएप चैट, शायद उसके जरिए अभिषेक के खुलासा हो जाए कि रिश्ता क्यों टूटा, ब्रेकअप की वजह क्या रही, क्योंकि बहुत कुछ बातें सामने आई हैं और उन बातों पर
विराम तभी लग सकता है या फिर एक निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब पुलिस ये वजह तलाश ले कि आखिरकार ब्रेकअप क्यों हुआ और ये शायद उनके बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत के जरिए ये फैक्ट सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।